जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने 11:30 बजे संसद मार्च कूच करने की कोशिश की, लेकिन उनको भारी पुलिस बल ने वहीं पर रोक दिया है। यहां हम आपको ये भी बता दें कि जो इन पहलवानों को समर्थन देने के लिए दूर दराज से किसान और खाप पंचायतों के लिए पहुंच रहे थे, उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है। इसके साथ ही साथ कई बड़े नेताओं को उनके घरों पर ही डिटेन कर दिया गया है। जबकि जंतर मंतर की जो अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप अस्तित्व न्यूज यूपी पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, किस तरह से घमासान मचा है, तीखी झड़प हुई है, दिल्ली पुलिस और जो और दूसरे सुरक्षा बल हैं उनके जवानों और पहलवानों के बीच में तीखी झड़पें हुई हैं। दरअसल ये सभी पहलवान और उनके समर्थक, समाजसेवी संस्थाएं, ये सभी संसद मार्च के लिए वहां से कूच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको अंदर ही रोक दिया गया है। आप तस्वीरों में यहाँ भी मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से पूरी बैरिकेडिंग है, जो यहाँ पर पुलिस फोर्स था वो सभी जंतर मंतर के अंदर चला गया है। उसमें RAF है, ITBP है, CRPF है, दिल्ली पुलिस है, यानी कि पूरा सुरक्षा घेरा जो तैयार किया गया था दिल्ली पुलिस ने, उस सुरक्षा घेरे में तमाम पहलवानों को घेर लिया है और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, जिसके चलते वहां पर काफी नोकझोंक हुई है। ये अस्तित्व न्यूज यूपी पर आप तस्वीरें देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें देखिए किस तरह से पहलवान और पुलिस फोर्स के साथ तीखी नोकझोंक हो रही है। और यहां पर जो महिलाएं हैं हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता का जयकारा लगाते हुए जमकर उन्होंने नारेबाजी की है, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। एक एक करके इसी तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि साफ संदेश है कि उन्हें किसी भी कीमत पर संसद मार्च में के लिए कुछ नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि तकरीबन 2:30 बजे के आसपास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम खत्म होगा, जिसमें वो नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। उससे पहले किसी भी कीमत पर ये पुलिस फोर्स ने ताकीद की है और तस्दीक की है कि किसी भी तरह से ये जो प्रदर्शनकारी पहलवान है ये बाहर न निकल पाए, लिहाजा जो तीखी झड़पें हैं और नोकझोंक है वो इस जंतर मंतर के अंदर चल रही है। अंदर की जो आवाजें हैं वो बाहर तक जरूर आ रही हैं, लेकिन उनके कदम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जो पहलवान अखाड़े में अपने विरोधियों को चित्त किया करते थे, वो पहलवान आज नूरा कुश्ती कर रहे हैं पुलिस फोर्स के साथ, क्योंकि उनकी मांग है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता खुलकर बोले और इनके समर्थन में आए। यही जो खामोशी है, उस खामोशी को लेकर पहलवानों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। तो कुल मिलाकर संसद मार्च का जो कूच करने का पहलवानों का कार्यक्रम था वो अभी पसोपेश में है, क्योंकि पुलिस फोर्स उनके आड़े आ गई है। और भाई 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 भाई